हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्टैटिक जीके का सीरीज, जिसमें कि हम सारे स्टैटिक वाले पोर्शन कवर करवाएंगे। जैसे कि स्टैटिक जीके में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंक एस्टैब्लिश्ड ईयर एंड हेडक्वार्टर और उसका टैगलाइन, जो कि सभी एग्जाम में ऑलमोस्ट 1 मार्क्स का इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और हर एक एग्जाम में, हर एक बैंकिंग के एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता ही है। तो आज से ये जो हमारा स्टैटिक जीके का जो सीरीज है, इसमें हम सारे स्टैटिक वाले पोर्शन कवर करवाएंगे, जैसे कि लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स, निक नेम्स ऑफ इंडियन इंपॉर्टेंट इंडियन प्लेसेस, इंडियन सिटीज ऑन रिवर बैंक्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, फेमस टेम्पल्स एंड ऑल। तो ये सारे स्टैटिक वाले पोर्शन मैं एक एक वीडियो में कवर करवाऊंगा, जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस स्टैटिक जीके में आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बैंक एस्टैब्लिश्ड ईयर, हेडक्वार्टर और टैगलाइन। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला बैंक है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1865। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और टैगलाइन है ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। देखिए, बैंकिंग से रिलेटेड जो बैंक होते हैं, इसमें मेनली जो आपको याद रखना होगा वो हेडक्वार्टर याद रखना होगा और टैगलाइन याद रखना होगा। एस्टैब्लिशमेंट ईयर उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है जितना कि हेडक्वार्टर और टैगलाइन पूछा जाता है। तो अगर हम बात इलाहाबाद बैंक की करते हैं, तो इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है और इसका टैगलाइन है ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। चलिए अगले बैंक की बात करते हैं। तो अगला बैंक है आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1923 है, 1923 है। आंध्रा बैंक का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और आंध्रा बैंक का जो टैगलाइन है वो है वेयर इंडिया बैंक्स। अगला बैंक है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1906, 1906। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय मुंबई में है और इसका जो टैगलाइन है वो है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। देखिए, ये जो बैंक ऑफ इंडिया है, इससे मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, जिसके नाम के अंत में बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ मिलेगा, सबका हेडक्वार्टर मुंबई है, ठीक है। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सबका जो हेडक्वार्टर होगा वो मुंबई में होगा। मतलब जितने भी बैंक्स हैं जिनके लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया जुड़ा हुआ है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई में होगा। चलिए अगला बैंक है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1908। इसका हेडक्वार्टर है बड़ौदा। नाम से ही क्लियर हो रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है बड़ोदरा में, जो कि कहाँ है? गुजरात में। और इसका जो टैगलाइन है वो है इंडिया इंटरनेशनल बैंक। क्लियर है? चलिए अगला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है 1935, 1935। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे में और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक। अगला बैंक है हमारा केनरा बैंक। केनरा बैंक का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है 1906 में। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में और टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। अगला बैंक है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1911। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी हमने बताया ही था कि जितने भी बैंक है जिसके लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया अगर आपको मिलता है, तो सारे बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। और इसका जो टैगलाइन है वो है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। अगला है हमारा कॉरपोरेशन बैंक। अगर हम कॉरपोरेशन बैंक की बात करते हैं, तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है 1906। हेडक्वार्टर है मैंगलोर में और टैगलाइन है प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। क्लियर है? चलिए अगले बैंक की बात करते हैं। तो अगला बैंक है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। देखिए, इंडियन बैंक से भी एक चीज याद रखिएगा, जितना भी बैंक जिसके नाम के स्टार्टिंग में इंडियन आएगा, जैसे कि इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सबका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। जितने भी बैंक जिसके नाम के आगे इंडियन आएगा, सबका हेडक्वार्टर चेन्नई में होगा। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है 1907 और टैगलाइन है योर ऑन बैंकिंग डेट्स ट्वाइस एज गुड, आपका अपना बैंक। अगला बैंक है हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो है 1937 में।
इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अभी मैं आपको बताया ही था कि इंडियन ओवरसीज जो बैंक है, जिसने भी बैंक है जिसके नाम के आगे इंडियन लगा हुआ होगा, वो सबका हेडक्वार्टर चेन्नई में होगा। और इसका जो टैगलाइन है वो है गुड पीपुल टू ग्रो विथ, आपकी प्रगति का सच्चा साथी। देखिए हिंदी में टैगलाइन याद रखना जरूरी नहीं है उतना जितना कि इंग्लिश में जरूरी है, मतलब आपको टैगलाइन इंग्लिश में याद ही रखना होगा। अब बात करते हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की। अगर बात करते हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की, तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है 1943। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। और इसका जो टैगलाइन है वो है हियर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड, मतलब जहां प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध है। अगला बैंक है हमारा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1894। न्यू हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। देखिए पंजाब नेशनल बैंक से भी एक चीज़ याद रखिएगा, वैसा बैंक जिसके नाम के आगे पंजाब है, ठीक है। जैसे कि आज फॉर एग्जांपल हो गया पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, तो ये सारे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा। मतलब जितने बैंक का नाम जिसका नाम के आगे पंजाब लिखा हुआ होगा, उस सबका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा। क्लियर है? चलिए अगले बैंक की बात करते हैं। अगला बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1908। इसका हेडक्वार्टर अभी मैं बताया ही कि जिसके नाम के आगे पंजाब लगा हुआ होगा, उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। और इसका टैगलाइन है बेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। अगला बैंक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1955। हेडक्वार्टर है मुंबई में और टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। क्लियर है? चलिए यह अभी मैं बताया ही था कि जिसके नाम में जुड़ा होगा बैंक ऑफ इंडिया, सबका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई में होगा। अगला बैंक है हमारा सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1925। इसका हेडक्वार्टर है मणिपाल, यानी जो मणिपाल जो कर्नाटका में स्थित है। और इसका जो टैगलाइन है वो है फेथफुल एंड फ्रेंडली, फेथफुल एंड फ्रेंडली। अगला बैंक है हमारा यूको बैंक। अगर हम यूको बैंक की बात करते हैं, तो यूको बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1943 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसका टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। अगला बैंक है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1919। हेडक्वार्टर है मुंबई में, क्योंकि इसके नाम के में बैंक ऑफ इंडिया जुड़ा हुआ है। और टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विथ। अगला बैंक है हमारा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करते हैं, तो वो है 1950। हेडक्वार्टर है कोलकाता में और टैगलाइन है द बैंक दैट्स बिगिन विथ यू। नेक्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट बैंक है हमारा बंधन बैंक। बंधन बैंक की बात करते हैं, तो बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है और इसका जो टैगलाइन है वो है आपका भला सबकी भलाई। नेक्स्ट बैंक है हमारा सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक की अगर हम बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में और इसका जो टैगलाइन है वो है ट्रस्ट एंड एक्सेलेंस सिंस 1904। अगला बैंक है हमारा धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक की अगर बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर है केरला में और इसका जो टैगलाइन है वो है तन मन धन। नेक्स्ट बैंक है हमारा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है केरला में और इसका जो टैगलाइन है वो है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अगला बैंक है हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका जो टैगलाइन है वो है बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट आईडीबीआई बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। नेक्स्ट है आईसीआईसी बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका टैगलाइन है हम है ना आप ख्याल आपका। नेक्स्ट है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर है मैंगलोरु में और इसका जो टैगलाइन है वो है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और इसका जो टैगलाइन है वो है लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है केरला में और इसका जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट है हमारा यस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में
और टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारे बैंक को कवर किया है और जिसके हम लोग हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया और टैगलाइन देखें, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कुछ और बैंक्स रह जाते हैं, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिर पेमेंट्स बैंक। ये दोनों का भी हेडक्वार्टर इस्टेब्लिशमेंट ईयर का मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। साथ ही साथ और जितने भी स्टैटिक पोर्शंस है, जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि और जितने भी स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, इम्पॉर्टेंट इंडियन प्लेसेस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, फेमस टेम्पल्स, ये सारी की वीडियोज एक एक वीडियो में अब आपको कवर करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के जो फैक्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इसे 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आप अपने इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।